Why we are watching Big Boss? क्या उसमें कोई साइंस फिक्शन, क्या कोई काम का चीज है उसमें, कुछ अच्छा चीज दिखा रहा है और एक स्क्रिप्टेड चीज देखने रहते हैं। यहाँ हमारे इंचार्ज मैडम श्री मैडम बच्चों को परेड सिखा रहे हैं। इधर हम लोग बैठ के पूरा JNV का फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ में अमित सर बैठे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर चांद आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर प्रीतम। आज मैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट विद प्रीतम, आप सब जहाँ भी होंगे तहाँ पर तो मस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो सुबह सुबह आज के वेदर चेक करो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है वेदर। और मैं चाय लेते हुए ट्यूशन की ओर जा रहा हूँ। ये देखो अभी सूरज उठा, 6 बज रहे। घर पे आ गया, आप देख सकते हो 8:30 बज रहा है। मुझे स्कूल भी जाना है आज, JNV का बहुत सारा काम करके अपने वापस रोइंग जाना है। और इधर गर्मा गर्म दूध एंड आम एंड रोटी ब्रेकफास्ट आ गया, तो फटाफट खा के स्कूल निकलते हैं। बहुत सारा काम करके आज JNV का काम को फिनिश करना है। आज डेडलाइन दिया था हम लोग को, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला था, बल्कि हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो अभी खाते और निकलते। मम्मी, ओ मम्मी थैंक यू सो मच, वेलकम। बोलो ना, बोलो ना कीजे। अरे आप क्या कर रहे हैं? चूहा पकड़ रहे हैं। अच्छा, थैंक यू ब्रेकफास्ट के लिए। इधर हम लोग बैठ के पूरा JNV का फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ में अमित सर बैठे हुए हैं और इधर हम, और इधर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे। काफी ज्यादा गर्मी है, अभी बच्चों का रेसेस चल रहा है, सब बाहर खेल रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा स्कूल में जो आई का डिजीज़ नहीं हुआ है बच्चों को, और हम लोग बहुत सेफली बच्चों को रख रहे हैं यहाँ पे, राइट। हॉस्टल में भी एकदम नहीं है, तो थैंक गॉड। और किसी बच्चे का थोड़ा भी हम लोग ऐसे सिम्टम मिलता है तो हम लोग उसको फटाफट पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जितना जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा देते हैं। यहाँ पे 1 केस भी नहीं निकला हम लोग का, ना एक भी केस नहीं निकला। यहाँ हमारे इंचार्ज मैडम श्री मैडम बच्चों को परेड सिखा रहे हैं, क्योंकि बाकी सब टीचर ड्यूटी में है, सब लोग अपना वर्क कर रहे हैं। यहाँ मैं 3 ग्रुप में बांट दिया, ये सीनियर गर्ल्स, सीनियर बॉयज और जूनियर गर्ल्स। हाइट के हिसाब से बच्चों लोग को अलग अलग करके रखें। बढ़िया, काफ़ी धूप है आज, दिन का 2:30 बज रहा है अभी। अभी जस्ट स्कूल से आया हूँ और आके अभी लंच कर रहा हूँ। लंच में आज फ्राई इधर है, ये भिंडी का फ्राई है और यह मछली। कौन सा? मेरा कौन सा है? मेरा ये वाला है, मैं खा लेता है फटाफट। और स्कूल से आने का समय हम लोग को जैकफ्रूट दिया लेगो सर ने, हम लोग घर पे लेने गए थे जैकफ्रूट, उसे शाम को खाएंगे। दिन को खाने से तो हालत ख़राब हो जाएगी, गर्मी लग जाएगी ना पापा। पापा यहाँ रोटी खा रहे हैं, रोटी खा रहे जो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, सुबह पापा ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। आज काम बहुत हेक्टिक था, काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, शाम को जाके काम करेंगे। फिर स्कूल में भी एक ट्यूशन है मेरा, ट्यूशन मेरा उसको भी करना पड़ेगा, उसको रात को ट्यूशन करेंगे। तो शाम को मुझे 6:30 के बाद जाना पड़ेगा स्कूल, JNV का सारा काम कंप्लीट करके क्लास करा के आऊँगा। अभी खाना खा लेते हैं। A few moments later. Guys, final tuition hall आ गए, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़रा गर्म था बाहर में, खाना वाना खा के इधर आ गए, अभी बच्चे आएंगे, उसके बाद शाम को तो वहाँ जाना ही है। एंड बैठ के मैं एक्चुअली पिक्सआर्ट में बैठ के वो थंबनेल बना रहा था, थंबनेल अभी अपलोड करूँगा। बीच में मेरा एक फ्रेंड के स्टेटस में देखा ध्रुव राठी का कुछ लिंक दिया हुआ था, तो मैंने बिग बॉस का बारे में दिया हुआ था, तो उस वीडियो को मैंने फुल देखा। ऐसे भी मैं हर ब्लॉगर को देखता हूँ और जितना भी कंटेंट क्रिएटर सबको देखता हूँ, क्योंकि सबका वीडियो का अलग अलग लेवल है। जब 12-13 मिलियन सब्सक्राइबर तो ऐसा तो नहीं बना, तो मैं सबको देखता हूँ, खुद का भी एक जज करने का वो होता है ना। तो उस वीडियो में ध्रुव राठी का वीडियो देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे डेली ब्लॉगर्स के बारे में भी बताया उसने, किसी को डीफ मतलब किसी को गलत नहीं बोला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बोला कि आप अगर कंटेंट बेकार वाला कंटेंट देखते हो तो आपका IQ लेवल कम थी होती है, डॉक्टर्स ने बताया ना। आप अगर झगड़ा वाला कंटेंट देखते हो तो मतलब बिग बॉस में आज अलविज यादव कुछ यूट्यूबर्स बोल के हम सपोर्ट करते हैं, राइट। लेकिन व्हाई वी आर वाचिंग बिग बॉस, क्वेश्चन इज व्हाई वी आर वाचिंग बिग बॉस, क्यों हम बिग बॉस देख रहे हैं, राइट। क्या उसमें कोई साइंस फिक्शन, क्या कोई काम का चीज़ है उसमें, कुछ अच्छा चीज़ दिखा रहा है? बहुत सारा यूट्यूबर्स या बहुत सारा फिल्म मेकर्स या बहुत सारा बड़े बड़े हस्तियों को लेके आते हैं, आपस में झगड़ने रहते हैं, वहाँ पे एक स्क्रिप्टेड चीज़ देखने रहते हैं।
सारा वीडियोस में यूट्यूब पर क्लियर होगी कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। तो ये होता है, आप अगर कभी भी पूछोगे उसका फिल्म में जो बिग बॉस मेकर से कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो बोलेगा एंटरटेनमेंट में, तो लोग देखना चाहते तो दिखाते हैं। देखो हम लोग डेली लाइफ में वही चीज़ पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक MMS वीडियो आउट हो गया तो हम उसे गूगल देकर सर्च करते हैं, हमें उस चीज़ का लत लगी हुई है। कहीं भी CCTV कैमरा का फुटेज अगर देखने मिलता है हम उसको एकदम ध्यान से देखते हैं, कैसे चोरी किया, कैसे सांप घुसा, कैसे मर्डर हुआ, तो हमारा बिहेवियर ही ऐसा हो गया। तो बिग बॉस में लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग अपना पर्सनल लाइफ को लेकर पर्सनल लाइफ के बारे डिस्क्लोज करते हैं, फेक रिलेशनशिप दिखाते हैं, बहुत ही इन चीज़ों को लोग देखने के लिए मजा पाते हैं ना। और ऐसा कंटेंट आपका IQ लेवल को कमती कर देता है, क्योंकि हम कोई काम की चीज़ें नहीं कर रहे। इंस्टेड ऑफ दैट आप कोई स्पिरिचुअल चीज़ें देखोगे, अच्छे गाने सुनोगे, अच्छा कंटेंट वाला चीज़ें देखोगे, साइंस फिक्शन देखोगे या डिस्कवरी देखोगे, तो आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ भी मिलेगा, राइट? या कॉमेडी देख लो, कॉमेडी में रहने से आप हंसते रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन यस, लोग वही चीज़ देखने पसंद करते हैं, और मेकर्स को पता है कि लोगों को दिखाना कैसा है। जैसे हनी सिंह, मैं बहुत फेवर करता हूँ उसका, पर कुछ कुछ गाने हमको ही पसंद नहीं था, लेकिन जब वैसा गाना देते थे तो वो बोलते थे लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, लोग जैसे पसंद करते उसे देता हूँ, ये एंटरटेनमेंट है, राइट? एंटरटेनमेंट सबको। तो मैं उनका वीडियो देखिए बहुत अच्छा लगा, आप जरूर देखिएगा। ध्रुव राठी ने कुछ गलत नहीं बोला, बहुत अच्छा बोला। हाँ, एक पर्सनल परसेप्शन सबका अलग अलग होता है। अब वो एल्विस भाई को देखिए कुछ ऐसा बोला कि ऐसा आदमी जाना चाहिए, तो मैं उस सब में इतना नहीं जाना चाहता हूँ डीप में, क्योंकि मुझे एल्विस भाई पसंद है, बीइंग ए सब्सक्राइबर मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो बंदा अपना लेवल में अपना सब्सक्राइबर कमा, उसका भी 12 मिलियन है, होने वाला है, राइट? तो सब ने अपना लेवल में किया, फुकरा इंसान अपना लेवल में किया, तो सब ने अपना लेवल किया, सबको रेस्पेक्ट करता हूँ। डेली ब्लॉगर्स के बारे में बताया, पर डेली ब्लॉग का भी एक चीज़ है कि हम हर चीज़ को शेयर नहीं करते, और आप भी याद रखिएगा हर चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बोल के भी कुछ चीज़ होता है, हर चीज़ अगर पब्लिक कर दिया तो मतलब ही क्या रहा? लोग चुम्मा चाटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट क्या होता है, जो एकदम पर्सनल में रखते हैं हम लोग, वो बातें अगर पब्लिक ही कर दिया तो मतलब क्या रहा ना? तो हर डेली ब्लॉग से तो हर चीज़ लोग पसंद करते हैं। डेली ब्लॉग लोग क्यों देखते हैं, लोगों के घर पर क्या हो रहा है वो देखने में उनको ज़रा मज़ा आता है, राइट? तो हम लोग भी जब ब्लॉग बनाते हैं, हम लोग भी डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, पर ऐसा बात नहीं कि अपना प्राइवेसी भी हम लोग सब कुछ बोला, सब कुछ हम लोग नहीं बोलते, राइट? कुछ चीज़ें रखते हैं, कुछ चीज़ें रखना भी चाहिए, और हम वो भी नहीं करते कि हम को लोग देख रहे बोल के हम कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, जो जो घटना होता है वो भी शेयर करते हैं। एवरीथिंग नहीं, एवरीथिंग करना भी गलत है, किसी को अपना हर पर्सनल पब्लिक करना भी गलत है, राइट? एक कुछ रहना चाहिए, जैसे मैं यहाँ का दिखाता हूँ, अपने घर का दिखाता हूँ, तो कुछ कुछ ऐसे जैसे मैं तिजोरी खोल के दिखा रहा हूँ आपको ना, ये एकदम अपना पर्सनल डीपेस्ट प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए नेक्स्ट मूव प्राइवेट लाइफ लाइफ लव लाइफ, इसको हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए ना, तो वो बेटर रहता है। तो यस, डेली ब्लॉग्स करना गुड, बहुत बढ़िया रहता है, पर हर चीज़ नहीं दिखाते। बच्चों को आप दिन दिखाते रहोगे, क्या मालूम कितने बार आपको नोटिस करा होगा, आप बच्चे के स्कूल से जाने तक लेने तक हर चीज़ अपडेट कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है उसको सब कुछ पता होगा। भाई आप किस रूट से मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, आपने वो अपलोड किया, तो कोई गुंडा होगा जब मॉर्निंग वॉक का रूट उसको मालूम चल गया, डेली वॉक में देखते हो मॉर्निंग वॉक रूट है, तो उसको निपटा देते हैं जहाँ पे। तो हम तो अपना मॉर्निंग वॉक का रूट भी चेंज करते हैं कभी कभी, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी आदत है, तो वही है। तो अच्छा लगा मुझे उनका वीडियो देख के, मैं कोई वो नहीं करूँगा, मैं हम लोग कोई इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं कि जगह रोस्ट करेंगे, सब अपना अपना लेवल में सही है। उनका बातों का एक मतलब वो जो बात बोलता है ना, उनका एक वो रहता है मतलब एक रीज़न देता है मतलब ना, उसमें बताता है मैंने क्यों बोला, ऐसा अंधा धुंधा नहीं बोलता है कि भाई मैं क्यों बोला, एक फैक्ट के साथ बताता है बात को, तो दैट्स द पॉइंट। वो बहुत अच्छा लगा। बाकी हम सब ब्लॉगर से सीखते हैं, सब यूट्यूबर से सीखते हैं, सब क्रिएटर से सीखते हैं, सबका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, किसी किसी का कंटेंट बहुत क्रिंज होता है जो मैं देखता नहीं हूँ, किसी का गाने क्रिंज होता है वो भी नहीं देखता, चाहे वो कितना भी ऊपर पहुँच जाए, समझ पा रहे हो आप? तो चलो अभी क्लास कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस अभी बच्चे आए नहीं, तो आधा घंटा टाइम है, तो यहाँ का थोड़ा जंगल काट लेते हैं, बहुत बढ़ गया जंगल देखो यहाँ पे पूरा, तो ये तो फटाफट काट लेते हैं, क्योंकि पापा काटने जाएगा तो फिर आदमी आ जाएगा ना, और इतना एज भी हो गया, उनको काटने के लिए क्यों देगा, आधा घंटा लग जाएगा काटने का। यहाँ पे पूरा जंगल काटना हो गया अपना, पूरा क्लीन कर दिया यहाँ पे। रॉकी है मना, ओके बिस्कुट डाउन है इसके, पूरा साफ कर दिया यहाँ पे। चलो रॉकी है, शाम भी हो गया तो फिर वापस चलते हैं ट्यूशन की ओर, मौसम देखिए काफ़ी बढ़िया हो गया,
3 hours later. So भाई साहब अभी शाम का 7 बज रहा है और फाइनली सब ट्यूशन खत्म हो गया. अभी दो बच्ची आई थी, उन लोगों भी पढ़ के गया जस्ट, और उन लोग गया और लाइट भी गया. अभी फैन भी नहीं घूम रहा है, ये मेरा इमरजेंसी लाइट जल रहा है. और आज का गर्मी माँ कसम, इतना खतरनाक गर्मी दिया है ना, वो पढ़े जाके जंगल काटा ना, पूरा पसीना नहाया तब भी अभी भी पसीना निकल रहा है. अब यहाँ से हमें सीधा स्कूल जाना है, वहाँ जाके थोड़ा काम निपटाना है, निपटा के फिर घर जाएंगे और घर में जाके खाना वाना खा के इस ब्लॉग को एंड करेंगे गाइज. सो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा ही लग रहा होगा आपको. देखते रहिए, आगे स्कूल जाके मिलते हैं हम लोग को. गाइज आज है पूर्णिमा, देखिए कितना सुंदर चांद आया. देखो चांद आया, चांद नजर आया. और यहाँ पे लौंडे लौंडे लोग क्या काम कर रहे हैं देखते हैं. इतना रात को लकड़ी फाड़ रहे हो तुम लोग? रात को लकड़ियां नहीं फाड़ते हैं? ये देखिए, ये सस्ता सलमान खान और ये है हमारा परेश रावल साहब. ये लकड़ी फाड़ फाड़ के अपना जिम कर रहे हैं. काफी स्टॉप हो गया इसको. टीना है तो? तो है तो बढ़िया. तो बच्चों के हॉस्टल के लिए खाना पकाने के लिए, बाप रे बाप, ये सब काट दिया. खतरनाक है तो इंसान प्रो. आर यू रेडी? ये देखो ना कैसे पकड़ रहे या अब मार चेहरे, मार चो, मार चेहरा पे. ओए ओए, ऐसे मारने से चोट लगेगा ना. हां तो ये ऐसा गाइस, इस बंदे के लिए बंगाली केटी चाहिए हमको. गंदा में भाई तो मेरा बंगाली लड़की लोग जितना भी है ये हालत में तो कम से कम मत लीजिए सर. अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. इतना हैंडसम लग रहा है. हैंडसम का बात छोड़िए ना, इतना गंदा. ये वो दिखाई नहीं दे रहा है. हां दिखाई नहीं दे. क्या वाइट फेस है, मेहनती बंदा है. वो छोड़ दीजिए, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. गाइस फाइनली स्कूल से घर जा रहे हैं. और इधर चांद देखिए, और इधर काली बादल, इधर चांद इधर काली बादल. अभी बारिश ज्यादा, कितना अच्छा लग रहा है, रास्ता भीगा भीगा है पूरा. सो गाइस काफी रात हो चुकी है, 11 बज रहे हैं. आजकल 11 10 कब बजते ना पता ही नहीं चलता है, क्योंकि घर में मैं 8:30 बजे आया था. आके रेस्ट वेस्ट लिया, सीरियल वीरियल देखा. देख सकते हो ये अभी सीरियल चल रहा है, सीरियल खत्म हुआ. अभी KGF लगाया मैंने चैप्टर 2. अभी करूँगा डिनर, दिन का जो सब्जी था वही खा रहा हूँ अभी. कल से मैं रात में तक खाना नहीं खाऊंगा, सुबह सुबह उठना पड़ेगा. कल से सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा भैया. अभी हमको खाना खाना है, फिर इस ब्लॉग को एडिट करना है, फिर एडिट करना है, फिर कल सुबह ये ब्लॉग आ जाएगा. तो मिलते हैं गाइस, खाना खा लेते हैं फटाफट. सो गाइस फाइनली रात का 12:30 बज रहा है, मुझे अभी सोना है, सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि कल से 5 बजे मेरा ट्यूशन है, न्यू क्लास जो शुरू हो रहा है, क्लास 9 का. सो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा. आप लोग का एक एक कमेंट्स में पढ़ता हूँ. एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय EWP स्क्वाड. बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि आप लोग जैसे जनता मिला मुझे ना, जो मुझे हर वक्त मोटिवेट करता है. क्योंकि मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि जो भी सिचुएशन हो, अच्छा खराब, मैं शेयर करता हूँ. एज ए ब्लॉगर मैं हर एक चीज़ को नहीं बता पाता हूँ, पर बताता हूँ अप टू एक्सटेंड मैं बताता हूँ, जहाँ मैं आपको शेयर करके मैं आपको चीज़ें को बता सकने की कोशिश करता हूँ. राइट, एंड मैं सबसे सीखता हूँ और खुद का अपना मन का करता हूँ. उसमें क्या होता है, लाइफ में जो गलतियाँ की हैं उसका भी मुझे वो एक्सपीरियंस मिल जाता है, प्लस एक वो भी मिलता है कि यस लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं. राइट, एंड जो मेरा सपोर्टर्स हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से हमेशा फॉलो करते देखते, वो क्या कहते हैं, वो लोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. सो आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू पीपल, थैंक यू सो मच. आप हो तो मैं हूँ, एंड आगे भी बढ़ते जाएंगे, जैसा है जैसा हो जो भी आए. अब मैं फिक्र नहीं कर रहा हूँ क्या व्यूज है, क्या है, कितना जनता है, क्या किसका, कि मैं अपना काम करते जाऊँगा और ये डेली ब्लॉग को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म बचा जिसमें मैं अभी सोच रहा हूँ कि लाइफ में कुछ कर सकते हैं. राइट, एंड लोगों को प्रूफ भी तो करके दिखाना है कि एक छोटा सा जगह का बंदा ये करके दिखाया, इतना लोग किया तो हम लोग भी कर सकते हैं, अगर डिटरमाइंड रहे लाइफ में. राइट, तो मिलते हैं फिर से एक नए दिन में, एक नए ब्लॉग के साथ. अब तक के लिए खुश रहे, अपने मन की करें और अपने दिल के सुने. दिस इज अ बॉय खत्म साइनिंग आउट. जय हिंद, जय भारत. एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज
एक्सप्लोर विद प्रीतम. गुड नाइट, शुभ रात्रि.